द क्वेश्चन uh, to uh, आपने एक वेब सीरीज की थी रिगार्डिंग और टॉपिक फॉर टूडेडिक्शन सिमिलर काइंड ऑफ एडिक्शन लाइक उसको पॉन एडिक्शन बोल सकते हैं मैंने कम काफी स्टडीज पढ़ी है इसके ऊपर Uh, that how it is a मे बिग प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड सब कुछ easily accessible है तो ये problem और prevalent हो गया और इसके impact और ज्यादा दिखने लग गए हैं society में So how should we tackle this this problem? देखो इस प्रॉब्लम को आराम से ठंडे दिमाग से पहले समझना पड़ेगा एक तो नंबर वन ये जो आप इसमें जो ये वर्ड यूज कर रहे हैं ना अपॉन एडिक्शन इस वर्ड को थोड़ा सोच समझ के यूज करना जरूरी है कि एडिक्शन वर्ड हम यहां पे लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं बिकॉज वॉट इज एडिक्शन एडिक्शन दो तरीके के होते हैं एक होता है साइकोलॉजिकल एक होता है बायोलॉजिकल यानी फिजिकल मान लो हम किसी केमिकल से एडिक्ट हो गए हैं जो कि बाहर से हमको मिल रहा है जिसको ड्रग्स बोलते हैं तो किसी तरह की ड्रग्स से या निकटन से या किसी भी चीज से हम एडिक्ट हो गए हैं अब चाह करके भी हम उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं प्लस उसका एक लूप बनता चला जा रहा है कि जहां से हमने शुरू किया था धीरे धीरे वो थ्रेश बढ़ता चला जाता है पहले एक दो सिगरेट काफी होती है फिर चार चाहिए फिर पांच चाहिए फिर दस चाहिए उसकी अपर लिमिट कोई नहीं है तो उसको एडिक्शन बोलना ठीक है बट वेन वी यूज दिस टर्म एडिक्शन विद पॉन मुझे थोड़ा सा ये फनी लगता है ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट क्योंकि इससे एडिक्शन okay. हो कैसे सकता है बिकॉज इसी के साथ में एक और चीज क्या जुड़ी हुई है दैट इज या तो आप इस नो फैप वाले कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं फिर आप पौन hmm. देखे चले जा रहे हैं तो मेक सेंस हम्म ओके एक बार मैस्टबेशन हो गया उसके बाद में पौन कैसे देखोगे पौन का जो कंक्लूजन है दैट इज मैस्टेशन वहां पर जाकर के वो टॉपिक क्लोज हो जाता है उसके बाद में आप अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो ये करो वो करो अपने काम में ध्यान दो जो भी करना है वो करो आप वहां से hmm. फ्री हो गए तो इसको इस तरीके से देखो इसको जरूरत से ज्यादा ना इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है ये जो लोग बहुत ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस दे देते हैं उसके पीछे रीजन ये है कि वो पता नहीं क्या समझ रहे हैं कि पता नहीं क्या कितनी बड़ी चीज हो गई अरे इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ इसको एडिक्शन 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 क्यों बोल रहे हो फिर तो हर चीज का का भी है है ऑक्सीजन भी पानी का भी एडिक्शन एडिक्शन है खाने का भी है क्योंकि बिना ऑक्सीजन के भी आप जिंदा नहीं रह सकते बिना पानी के भी नहीं रह सकते तो इट्स अ बायोलॉजिकल नीड इसको एडिक्शन क्यों सोच रहे हैं पहले के जमाने में क्या होता था बचपन में ही शादी हो जाती थी तो ये जो नीड है वो वहीं पर बचपन में ही पूरी हो जाती थी लोगों की आज शादी की एज बढ़ गई है पच्चीस तीस साल की एज में पैंतीस साल की एज में शादी हो रही है अब तब तक करोगे क्या कुछ तो चाहिए ना तो बेसिकली उसको देख करके आप इमेजिन कर रहे हो अपने आप को उस सिचुएशन में और कुछ भी अपने माइंड में कहानी क्रिएट कर रहे हो और खुश हो रहे हो अब क्या करोगे दिस इज बेटर देन कि आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो अपनी ही लाइफ से यानी अंदर ही अंदर भरे पड़े हो और जा करके अपनी वो फ्रस्ट्रेशन कहीं दुनिया में किसी के ऊपर निकाल रहे हो तो बजाय अपनी फ्रस्ट्रेशन को किसी के ऊपर निकालने के इट्स बेटर आपने कुछ देखा अब उसको आप बोलो बोलो या कुछ भी बोलो, थोड़ा बहुत आपने एक एज के बाद में देखना शुरू किया वंस यू आर लीगली एलिजिबल टू वॉच इट देखा अपना जो करना है किया और उसके बाद में वहां से फ्री हो गए वो भी एक लिमिट में किया काम खत्म अब ना वहां पर ज्यादा गिल्ट है ना एक्सेस में कुछ हो रहा है ध्यान से समझना मैं आपको एक साइकी बताता हूं इसके पीछे की या किसी भी चीज के पीछे की क्या होता है कि जब हमारे अंदर एक गिल्ट होता है ना कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं या मैं कुछ गलत कर रही हूं तब वो काम बहुत ज्यादा होने लग जाता है ये एक तरह का कोपिंग मैकेनिज्म है हमारी ब्रेन के अंदर जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई है जिसको ये लग रहा है कि ये जो मैं चॉकलेट खा रही हूं ना ये अच्छी नहीं है मेरे लिए लेकिन फिर भी मैंने खा ली मेरी डाइटिशियन ने मना किया था मेरी न्यूट्रिशनिस्ट ने मना किया था लेकिन फिर भी मैंने खा ली अब उसको इतना गुस्सा आएगा अपने ऊपर कि इस गुस्से से बाहर निकलने के लिए यानी ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं जिसको आप स्ट्रेस हार्मोन्स भी बोल सकते हो जिसको कॉटिसोल भी बोल सकते हो यानी ब्रेन में कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है तो उसकी वजह से उसका जो कोपिंग मैकेनिज्म है उसकी एंटीडोट चाहिए एंटीडोट क्या है डोपोमीन तो वो डोपोमीन कहां से मिलेगी जब हम और चॉकलेट खाएंगे या वो जो काम किया है उसको और बड़े लेवल पर करेंगे तो जब हमारे अंदर गिल्ट आता है ना या किसी चीज के लिए हम अपने आप को रोकते हैं अगर किसी भी चीज को बढ़ाना हो ना तो उसको रोक दो वो बढ़ जाएगी जैसे कोई रूल्स बना दो तो रूल्स तोड़ने में जो मजा आता है वो रूल्स को फॉलो करने में नहीं आता है तो ये थोड़ा तो सा तो यहां पे साइकी को समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है ये जो पॉन है या ये जो भी कुछ है इसको हम जरूरत से ज्यादा अपने माइंड में इंपॉर्टेंस दे देते हैं ऐसा लगता है पता नहीं मैं क्या गलत कर रहा हूं ऐसा लगता है पता नहीं मैं तो एडिक्ट हो रहा हूं या ये हो रहा हूं वो हो रहा हूं जबकि आप चाहो भी तो एडिक्ट हो ही नहीं सकते okay. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक बार मैस्टबेशन हो गया उसके बाद में कैसे देख लोगे पौन कितना देख लोगे जैसे खाना खा लिया अब खाने को आप जरूर से ज्यादा वो, वो दोगे इंपॉर्टेंस कि मैं खाने का एडिक्ट होता चला जा रहा हूं तो गड़बड़ हो जाएगी खाना खाया उसके बाद में खाने को भूल गए क्यों क्योंकि इट इज अ नीड ऐसे ही जो मैस्ट्रबेशन है पॉन है ये सब थोड़ा बहुत लिमिट में किया उसके बाद में यहां से फ्री हो गए अपना और ढंग के काम करो जो करने लायक है नहीं तो लोग इसके ऑपोजिट में चले जाते हैं जैसे आजकल ये नो फैप मूवमेंट के बारे में आपने सुना होगा बहुत चल रही है yes, yes, बहुत लोग इसके बारे में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो जाता है इससे आई डोंट अंडरस्टैंड आई डोंट बाय दिस पॉइंट क्योंकि वट दैट मीन आप रिप्रेस कर रहे हो अपने डिजायर्स को अपनी नीड को जितना आप रिप्रेस करते चले जाओगे उतना ही आप और ज्यादा अट्रैक्ट होते चले जाओगे पॉन की तरफ प्लस जो भी opposite sex है, same sex है, whatever, depending upon your preferences, उसकी तरफ बिल्कुल ऐसे जैसे कि खाने के मामले में आप एक दिन खाना मत खाओ पूरे दिन उसके बाद जब रात को खाना खाने का टाइम आएगा ऐसे टूट के पड़ोगे खाने पे जैसे कि पहली बार खाने को देख रहे हो तो डोंट गो इन एक्सट्रीम्स उसको देखो एंड ग्रो आउट ऑफ इट जैसे लाइफ में होता है ना हर चीज से भी hmm. तो ये अपने आप से क्वेश्चन मतलब मतलब right. कभी कभार देखा और उसके बाद में फ्री हो गए वहां से दिमाग को हटाया इन अट शैल जो भी मैंने अभी तक कहा है अगर मैं उसको कहूं तो बैलेंस में ये बुरा नहीं है right. लिमिट में ये सब कुछ बुरा नहीं है और कभी अगर

तो ग्रो आउट ऑफ इट आगे बढ़ो ना इन सब चीजों से ये बच्चों की बातें हैं ये जो चीजें हैं ना ये नो फैप और और ये और ये पॉन वो ये बहुत छोटी बातें हैं क्योंकि ये पार्ट ऑफ लाइफ है हम पहले इसको लाइफ से अलग कर देते हैं फिर अपना मिस्टिकली माइंड में कुछ क्रिएट करने लग जाते हैं कि शायद अगर हम अपने सीमन को रिटेन करेंगे तो उससे ये होगा वो होगा हमारी पावर्स बढ़ जाएंगी वो जो लोग ऐसी बातें करते हैं मैं उनसे पूछूंगा कौन सी पावर की आप बात कर रहे हो फिजिकली या मेंटल तो अगर इतनी आपकी पावर बढ़ गई है तो लड़के दिखाओ एक शेर से या टाइगर से किसी से तब हम मानेंगे कि हाँ देखो इसने नो फैप को फॉलो किया एक साल तक और देखो कितनी पावर बढ़ गई है इस इंसान की एक साल में ये तो, तो पता नहीं लड़ क्या लड़ हो गया है हाथी से लड़ पड़ा हाथी को उठा करके फेंक दिया <laughs> अब चाहे जितना मर्जी सीमन को रिटेन कर लो आपकी फिजिकल पावर एक लेवल तक ही बढ़ सकती है ध्यान से समझ लेना उसके लिए वर्कआउट करना पड़ेगा अपनी मसल्स को बनाना पड़ेगा नंबर वन राइट नंबर टू हम कहते हैं कि हमारे माइंड की पावर बढ़ जाएगी अरे घोचू माइंड क्या होता है कभी अपने आप से क्वेश्चन पूछो मैं आपको नहीं कह रहा उन लोगों को बोल रहा हूं जो इस तरह की बातें करते हैं राइट माइंड की पावर्स बढ़ जाएंगी माइंड क्या होता है ब्रेन ब्रेन तो जानवरों में भी है इंसानों में भी है वॉट इज माइंड माइंड इज थॉट वॉट इज द पावर ऑफ थॉट द पावर ऑफ थॉट इज नॉट द इंटेंसिटी ऑफ थॉट पावर ऑफ थॉट इज अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड थॉट दोनों में जमीन आसमान का फर्क है इससे आपकी इंटेंसिटी ऑफ थॉट तो बढ़ सकती है इंटेंसिटी ऑफ डिजायर भर जाएगा बट क्या पावर ऑफ थॉट बढ़ेगा वॉट इज पावर ऑफ थॉट ह्यूमन थॉट वॉट इज साइंस इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग इज पावर और अंडरस्टैंडिंग के लिए कूल एंड काम माइंड चाहिए बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए इंटेंसिटी ऑफ डिजायर नहीं चाहिए क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहिए राइट right अंडरस्टैंडिंग चाहिए ऑफ द सिचुएशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द सर्विस इस सबका रिटेंशन से क्या कनेक्शन है अंकल इट्स लाइक दैट अरे उन सबका अपना पीछे भी कोई ना कोई मोटिव है ना उन्होंने अपना प्रोफेशन बना दिया है True. True. तो वो क्यों इसके बारे में उल्टा बोलेंगे वो तो बढ़ा चढ़ा करके बोलेंगे ना बट इतनी अकल हमारे अंदर होनी चाहिए कि बेसिकली ना ज्यादा ये करने से कुछ होता है ना बिल्कुल ही नहीं करोगे तो कुछ होने वाला है जो बेवकूफ है वो बेवकूफ ही रहेगा चाहे वो ज्यादा करे चाहे कम करे और जो समझदार है वो समझदार ही रहेगा फिर चाहे वो ज्यादा करे चाहे कम करे। एंड वॉट इज समझदारी एंड वॉट इज बेवकूफी नॉट द इंटेंसिटी ऑफ थॉट बट द क्लैरिटी ऑफ थॉट वॉट इज क्लैरिटी ऑफ थॉट ताकि क्लियरली हम hmm. चीजों को देख सकें जो भी काम करना है आपको उसको बारीकी से देख सके बारीकी से ऑब्जर्व कर सके वो बारीकी से ऑब्जर्व करने के लिए अंदर एक मॉडरेशन नाम की चीज होनी चाहिए वो ही बारीकी से चीजों को ऑब्जर्व कर सकता है लाइफ में जो एक्सेस में इंडल्ज हो गया है वो ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा किसी भी चीज में जैसे खाने में मान लो बहुत ज्यादा खाता है तो आलसी हो जाएगा उसको नींद आती रहेगी तो इस लायक नहीं है कि वो ढंग से चीजों को ऑब्जर्व कर सके जिसने बिल्कुल ही नहीं खाया है वो बौखलाया हुआ है वो भी ऑब्जर्व नहीं भी कर पा सोच रहा है अरे उसी सिर्फ उसी के बारे, के बारे में सोच रहा है और उसका किसी तरीके से सारी एनर्जी उसकी लग गई है इस चीज को कंट्रोल करने में विच इज नॉट सिग्निफिकेंट एट ऑल इट इज नॉट कनेक्टेड टू योर सक्सेस इन लाइफ वॉट यू वॉन्ट इज सक्सेस इन लाइफ उसका इससे क्या कनेक्शन है कोई कनेक्शन नहीं है अगर होता तो सक्सेसफुल पीपल वुड बी टॉकिंग अबाउट इट लाइक सो ऑलरेडी Not, uh, अब वो लोग क्या करेंगे कुछ नाम बता देंगे और कुछ नाम बोल करके बोलेंगे देखो देखो उसने भी किया उसने भी किया उसने भी किया ठीक है आपने चार नाम गिनवाए ना नंबर वन तो उन चारों का आपको नहीं पता कि उन्होंने क्या किया किस लेवल पे किया और क्या नहीं किया नंबर वन नंबर टू उन चार के अलावा चार लाख ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं जो ऐसी फालतू की बकवास नहीं करते हैं उनका नाम कहा है वॉरन बफेट ने तो कभी इसके बारे में बात नहीं करी बिलगेट्स ने तो कभी इसके बारे में बात नहीं करी इक्की दुख की किसी ने बात करी वो भी इनडायरेक्टली घूम फिर करके फॉर पर्सन मैरिड था उसके बच्चे थे वॉट डज दैट मीन वॉज इन टू सेक्स खत्म तो इसका मतलब सेक्स को उसने प्रोहिबिट नहीं किया था अपनी लाइफ से फॉर अ टाइम बिंग हो सकता है कुछ दिनों के लिए हफ्ते के लिए कहीं पर गया है और कुछ टाइम के लिए उसने सबको छोड़ दिया है दैट इज ओके वो तो ठीक है ना पांच दस दिन के लिए पंद्रह बीस दिन के लिए कभी एक्सपेरिमेंट की तरह अपने इसको देखना हो आपको छोड़ करके तो देख सकते हो कोई बात नहीं बट बहुत ज्यादा इसके बारे में ना एक्साइटेड होना है ना ज्यादा सोचना है बहुत छोटी चीज है ये ज्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम है ना वो है इससे भी बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है जो भी कुछ गलत हो रहा है इस दुनिया में दैट इज इवन अ बिगर प्रॉब्लम देन दिस राइट right. उसके बारे में हमको बात करनी चाहिए